हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एक और टॉपिक आपके साथ में शेयर करने के लिए आई हूँ, इंटीग्रिटी। इसका मीनिंग क्या होता है ये भी इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं। जो लोग फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपको बता देना चाहती हूँ, छोटी छोटी स्टोरीज, पैराग्राफ, ऐसे मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ, जिनसे हम बहुत सारे न्यू वर्ड सीखते हैं, अपनी वोकैबुलरी को इम्प्रूव करते हैं। साथ ही जो भी ग्रामर दी जाती है, मैं कोशिश करती हूँ कि ईजी वे में आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। सो यस, आज हमारा टॉपिक होने वाला है इंटीग्रिटी, और इसका मीनिंग क्या है ये भी देखते हैं। और इसमें जितने भी सेंटेंस होने वाले हैं, मोस्टली वो आपको प्रेजेंट टेंस के अंदर मिलेंगे। प्रेजेंट टेंस की जितनी भी फॉर्म्स होती हैं वो इसमें देखने को मिलेंगी। सो स्टार्ट करते हैं रीडिंग और देखते हैं क्या है इस टॉपिक में। ऑनेस्टी इज टेलिंग द ट्रूथ टू अदर पीपल एंड इंटीग्रिटी इज टेलिंग द ट्रूथ टू माई सेल्फ। ऑनेस्टी मीन्स होता है ईमानदारी, इज मीन्स है टेलिंग यानी कि बता रही है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस हो गया ये हमारा। द ट्रूथ, ट्रूथ मीन्स होता है सत्य या फिर सच। टू अदर पीपल, अदर पीपल मीन्स मतलब दूसरे लोगों का, पीपल मीन्स लोग। एंड और इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी का मतलब होता है ईमानदारी या फिर सत्यता, ठीक है। इस मीन्स है टेलिंग, बताता है या बता रही है। द ट्रूथ टू माई सेल्फ, ट्रूथ यानी कि सत्य, टू माई सेल्फ स्वयं का या मेरा, ठीक है। अब इस पूरे सेंटेंस को हम कैसे रीड करेंगे, सिंपली आप देख सकते हैं कि ऑनेस्टी का क्या मतलब होता है। ऑनेस्टी यानी कि ईमानदारी दूसरे लोगों को सच बताने में है। यानी कि ऑनेस्टी का मतलब क्या हुआ कि दूसरे लोगों को जब आप सच बताते हैं तो उसको हम ऑनेस्टी बोलते हैं। और इंटीग्रिटी, इसका भी मीनिंग ईमानदारी होता है या फिर अखंडता होता है, और ये स्वयं को सच बताने में है, ठीक है। This famous saying describes integrity in a perfect manner. This famous saying, this यानी कि यह है famous, प्रसिद्ध। saying मतलब होता है कहावत, यह प्रसिद्ध कहावत, ठीक है। यह प्रसिद्ध कहावत describes, describe का मतलब होता है वर्णन करना, integrity ईमानदारी की या फिर अखंडता फिर या फिर सत्यता की। in means में, a perfect manner, perfect यानी कि सटीक, manner means सटीक मायने में। तो ये जो कहावत है, ये जो प्रसिद्ध कहावत है, यह प्रसिद्ध कहावत ईमानदारी का सटीक वर्णन करती है। यानी कि ईमानदारी का सटीक वर्णन करती है, या फिर परफेक्ट को हम बोल सकते हैं उचित वर्णन करती है। परफेक्ट मतलब सटीक या फिर उचित, दोनों वर्ड के लिए आप बोल सकते हैं। इंटीग्रिटी इज द कंप्लीटनेस वन फील व्हेन ही लीड्स एन ऑनेस्ट एंड मोरल लाइफ। इंटीग्रिटी यानी कि सत्यता, अखंडता या फिर ईमानदारी, जो हम स्वयं से बोलते हैं, जो हम सत अपने आप से बोलते हैं ईमानदारी को, इज़ द कम्प्लीटनेस, इज मीन्स है द कम्प्लीटनेस। कम्प्लीटनेस का मतलब होता है संपूर्णता। वन फील्स, वन यानी कि एक व्यक्ति फील महसूस करता है। व्हेन, जब ही लीड्स, ही यानी कि वह लीड्स, नेतृत्व करता है एन ऑनेस्ट, एक ईमानदार एंड मोरल लाइफ, और नैतिक जीवन का। तो सिंपली सेंटेंस को हम कैसे रीड करेंगे कि सत्यनिष्ठा या फिर ईमानदारी वह पूर्णता है जिसे व्यक्ति तब महसूस करता है जब वह ईमानदार और नैतिक जीवन जीता है। मोरल लाइफ यानी कि नैतिक जीवन जीता है। नेतृत्व करना यानी कि लीड करना, किसी भी चीज़ को चलाना उस तरीके से, ठीक है। नेतृत्व का मतलब हो गया लीड करना, उस जीवन को जीना, उसको नेतृत्व करना। इंटीग्रिटी इज वाइजली चूजिंग बिटवीन वॉट इज राइट एंड वॉट इज रॉन्ग। इंटीग्रिटी ईमानदारी इज वाइजली, इज मीन्स है वाइजली मीन्स समझदारी से, चूजिंग यानी कि चुनते रहना, समझदारी से चुनते रहना। बिटवीन बीच में, वॉट इज राइट कि क्या सही है एंड वॉट इज रॉन्ग क्या गलत है। तो ईमानदारी जो है वो क्या है, वो क्या सही है और क्या गलत है, क्या सही है और क्या गलत है, इसको ईमानदारी से यानी कि बुद्धिमानी से चुनने का मतलब है। इफ अ पर्सन हैज नथिंग एल्स ही कैन ऑलवेज फील प्राउड ऑफ हिज इंटीग्रिटी। इफ अ पर्सन यानी कि अगर एक व्यक्ति हैज नथिंग एल्स, अगर उसके पास कुछ नहीं है, नथिंग एल्स यानी कि कुछ नहीं है, अगर एक व्यक्ति के पास कुछ नहीं है, इफ अ पर्सन हैज नथिंग एल्स, अगर एक व्यक्ति के पास कुछ नहीं है, ही कैन ऑलवेज यानी कि ही मतलब वह, कैन मतलब सकता है, ऑलवेज हमेशा, फील प्राउड यानी कि वो हमेशा गर्व महसूस कर सकता है ऑफ हिज इंटीग्रिटी, ऑफ यानी कि काकी की, काकी के हिज इंटीग्रिटी यानी कि उसकी ईमानदारी के ऊपर। तो अगर किसी व्यक्ति के पास कुछ नहीं है तो वह हमेशा अपनी ईमानदारी के ऊपर, जो स्वयं से कहता है उसके ऊपर, वो हमेशा गर्व महसूस कर सकता है। इंटीग्रिटी हेल्प अ पर्सन टू मेक ट्रस्टवर्दी बॉन्ड्स विद पीपल अराउंड हिम। इंटीग्रिटी ईमानदारी हेल्प्स, मदद करती है अ पर्सन, एक व्यक्ति की, टू मेक ट्रस्टवर्दी,
मेक मतलब बनाने में ट्रस्टवर्दी भरोसेमंद, बॉन्ड यानी कि बंधन, विद पीपल लोगों के साथ, अराउंड हिम उसके जो आसपास हैं, जो उसके चारों ओर हैं, अराउंड मतलब आसपास या फिर चारों ओर। तो ईमानदारी एक व्यक्ति की मदद करती है जो उसके आसपास लोग हैं उनके साथ में एक भरोसेमंद बंधन बनाने में या फिर रिश्ता बनाने में। बॉन्ड का मतलब बंधन या रिश्ता दोनों होता है। इंटीग्रिटी इज नॉट समथिंग वन कैन प्योरली टीचेस टू अदर। इंटीग्रिटी यानी कि ईमानदारी इज नॉट समथिंग, वो कोई ऐसी चीज नहीं है वन कैन प्योरली, जिससे शुद्ध रूप से टीचेस यानी कि सिखाया जा सके टू अदर्स, जिसे शुद्ध रूप से दूसरों को सिखाया जा सके। ईमानदारी ऐसी चीज नहीं है। इट इज मोर ऑफ अ वर्च्यू दैट, इट इज मोर, ये अधिक है, ऑफ अ वर्च्यू एक, ये किसी गुण से भी अधिक है। ठीक है, वर्च्यू मीन्स होता है गुण, ये गुण से अधिक है। दैट दैट मीन्स होता है जो, या फिर दैट का मतलब होता है वह। ये चीज़ मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ, जब हमारे सेंटेंस के बीच में दैट वर्ड आता है तो इसका मीनिंग मोस्ट ऑफ द टाइम होता है जो। कम्स फ्रॉम विद इन अ पर्सन, कम्स आता है फ्रॉम मतलब से, विद इन मतलब अंदर से या फिर भीतर से, अ पर्सन जो किसी व्यक्ति के अंदर से आता है। तो ईमानदारी जो है वो एक ऐसी चीज़ है जो किसी व्यक्ति के भीतर से स्वयं ही आती है, उसके अंदर से स्वयं ही आती है। इंटीग्रिटी इज समथिंग अ मैन नीड्स टू बी प्राउड ऑफ बिकॉज इट इज़ अ वैल्यूबल पोजिशन नो वन कैन टेक अवे फ्रॉम हिम। सेंटेंस बड़ा है, सिंपली क्या करना है, तो इंटीग्रिटी इज समथिंग, ईमानदारी कुछ ऐसी चीज है, अ मैन एक व्यक्ति के पास नीड्स आवश्यकता होती है, जरूरत होती है, टू बी प्राउड गर्व होने की, ऑफ बिकॉज क्योंकि इट इज़ अ वैल्यूबल, इट इज़ यह है अ वैल्यूबल एक मूल्यवान। पोजीशन का मतलब क्या होता है, संपत्ति होना या फिर किसी चीज़ के ऊपर अपना अधिकार होना। ठीक है, पोजीशन मीन्स संपत्ति होना या किसी चीज़ के ऊपर अपना अधिकार होना। नो वन कैन यानी कि नो वन कोई नहीं, कैन मतलब सकता है, टेक अवे, टेक अवे मीन्स होता है दूर ले जाना, फ्रेजल वर्ब है हमारा ये टेक अवे, जिसे कोई दूर नहीं ले जा सकता, फ्रॉम हिम यानी कि उनसे। तो सिंपली सेंटेंस को हमने कैसे समझा, ईमानदारी कुछ ऐसी चीज़ है जो जो किसी व्यक्ति के, सिंपली ईमानदारी एक ऐसी चीज़ है जिसे किसी व्यक्ति को उस पर गर्व होने की ज़रूरत है, बिकॉज क्योंकि ये एक बहुत ही मूल्यवान संपत्ति है जिसे उनसे कोई व्यक्ति छीन नहीं कर सकता या फिर दूर नहीं कर सकता। टेक अवे मतलब छीनना या फिर दूर करना, फ्रॉम हिम उनसे वो दूर नहीं कर सकता या उनसे वो छीन नहीं सकता। इंटीग्रिटी मीन्स बीइंग ऑनेस्ट एंड ऑथेंटिक टू वन सेल्फ एंड फॉलोइंग अ स्ट्रिक्ट सेट ऑफ रूल्स। इंटीग्रिटी यानी कि ईमानदारी मीन्स मतलब होता है, ईमानदारी का मतलब होता है बीइंग ऑनेस्ट, ईमानदार बने रहना, कॉन्टिन्यूस एक्शन ये बता रहा है हमें, एंड और ऑथेंटिक और विश्वसनीय यानी कि विश्वसनीय बने रहना टू वन सेल्फ, वन सेल्फ यानी कि स्वयं से, अपने आप से ईमानदार बने रहना और विश्वसनीय बने रहना, एंड फॉलोइंग और पालन करते रहना अ स्ट्रिक्ट सेट ऑफ रूल्स। स्ट्रिक्ट यानी कि कठिन, कठिन नहीं, स्ट्रिक्ट का मतलब होता है जैसे कि हम बोल सकते हैं सख्त या फिर बहुत ही ज़्यादा, स्ट्रिक्ट का मतलब क्या होता है, सख्त होना या फिर ऐसा होना जिस पे हम बिल्कुल टिके रहें, सेट ऑफ रूल्स जो नियमों के जो कुछ सेट होते हैं उन पर टिके रहना, उनका पालन करते रहना। विदाउट इंटीग्रिटी द वर्ल्ड वुड बी मेरिली, विदाउट मीन्स के बिना, इंटीग्रिटी सत्यता के बिना या फिर ईमानदारी के बिना, द वर्ल्ड जो संसार है वुड बी होगा। जब वुड बी का यूज़ हम कब करते हैं, जब हम फॉर श्योर 100% श्योर नहीं होते हैं, तो वुड बी यानी कि ऐसा होगा, संभावना बता सकते हैं। और भी कई सारी सिचुएशंस होती हैं जहाँ पर हम वुड बी का यूज़ करते हैं। मेरेली केवल, ईमानदारी के बिना संसार जो है वो केवल, वुड बी यानी कि होगा, केवल मेरेली मीन्स केवल, जो संसार है ईमानदारी के बिना वो केवल अनाकी यानी कि अराजक होगा, अराजकता होगी संसार में, केवल अराजकता होगी। इन द अकेडमिक फील्ड्स, इन मीन्स में द अकेडमिक फील्ड्स यानी कि शैक्षिक जो क्षेत्र होते हैं, जो शिक्षा वाले क्षेत्र होते हैं, देयर आर अ सेट ऑफ मोरल कोड्स एंड एथिकल पॉलिसीज दैट आर टू बी अबाइडेड बाय। देयर आर अ सेट ऑफ मोरल्स कोड्स, देयर आर यानी कि यहाँ है, अ सेट ऑफ मोरल कोड्स, सेट ऑफ मोरल कोड्स का मतलब होता है नैतिक जो क्षेत्र होते हैं या फिर नैतिक जो कोड्स होते हैं, नैतिक संहिताओं, जैसे कि देयर आर अ सेट ऑफ मोरल कोड्स, कुछ नैतिक संहिताओं एंड और एथिकल पॉलिसीज, एथिकल का मतलब भी होता है नैतिक, और पॉलिसीज यानी कि नैतिक जो पॉलिसीज होती हैं उनकी, नैतिक संहिताओं
और नैतिक जो नीतियाँ होती हैं, पॉलिसीज यानी कि जो भी इनकी नीतियाँ होती हैं, का एक सेट होता है दैट जिसे आर टू बी अबाइडेड बाय का मतलब होता है जिसका पालन किया जाना चाहिए या फिर जिसका पालन किया जाता है, ऐसे भी इसको हम बोल सकते हैं। दिस इज नोन एज अकेडमिक इंटेग्रिटी, दिस इज नोन, इसे जाना जाता है। ये मैं आपको क्या बता रही हूँ, ये चीज़ हमारे एक्टिव पैसिव वॉइस में पैसिव वॉइस, ठीक है। यहाँ पर क्योंकि नो की थर्ड फॉर्म को यूज़ किया गया है, इज आर एन के साथ में जब भी थर्ड फॉर्म आती है तो उसका मतलब हो जाता है किया जाता है, खाया जाता है, पिया जाता है, ठीक है। जब भी हम इज आर एन के साथ में थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे उसका मीनिंग उस हिसाब से हो जाएगा। तो इसे जो है कैसे जाना जाता है, इसको एक अकेडमिक यानी कि शैक्षिक ईमानदारी या फिर शैक्षिक सत्यनिष्ठा के रूप में जाना जाता है। इंटीग्रिटी इज नीडेड फॉर माई पीपल टू फ्लोरिश एंड ब्रिंग मोरेलिटी टू देयर लाइफ। इंटीग्रिटी, ईमानदारी इज नीडेड, इसकी आवश्यकता होती है फॉर माई पीपल, मेरे लोगों के लिए, टू फ्लोरिश यानी कि फलने फूलने के लिए, एंड ब्रिंग और लाने के लिए मोरेलिटी ऑफ देयर लाइफ। मोरेलिटी मतलब नैतिकता उनके जीवन में। तो इससे मेरे लोगों के फलने फूलने यानी कि जो मेरे लोग हैं जिनको मैं प्रेम करती हूँ उन लोगों के फलने फूलने के लिए और उनके जीवन में नैतिकता लाने के लिए ईमानदारी की आवश्यकता है या ईमानदारी की जरूरत है। नीडेड मतलब आवश्यकता होना या जरूरत होना। अकेडमिक इंटेग्रिटी शुड बी डेवलप्ड इन अर्ली लाइफ। जो शैक्षिक इंटेग्रिटी होती है यानी कि शैक्षिक जो ईमानदारी होती है शुड बी होनी चाहिए, डेवलप्ड विकसित होनी चाहिए इन अर्ली लाइफ। अर्ली लाइफ यानी कि शुरुआती जीवन में, जब आप बच्चे होते हैं तभी आपके अंदर शैक्षिक जो ईमानदारी होती है वो विकसित होनी चाहिए। शुड बी यानी कि होनी चाहिए इन अर्ली लाइफ, शुरुआती एज में, एज क्योंकि इट इज़ एन एसेंशियल वर्च्यू फॉर द स्टूडेंट्स। क्योंकि इट इज़, यह है एज का मीनिंग यहाँ पे हमने क्या यूज़ करा है, क्योंकि। आई होप आपको पता लग गया होगा। अब तक अगर आप लोगों ने मेरे वीडियोस को देखा है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट में ये चीज़ ज़रूर बताइएगा, एज को हम क्या क्या बोलते हैं। जैसे कि एज का मतलब मैंने अभी फ़िलहाल जो यूज़ करा है वो क्योंकि करा है, बट एज को हम हिंदी में और क्या क्या बोलते हैं, क्योंकि मैं आपको कई सही वीडियोज़ में ये चीज़ बता चुकी हूँ। एज क्योंकि इट इज़ एन एसेंशियल वर्च्यू फॉर द स्टूडेंट्स, क्योंकि एक आवश्यक गुण है विद्यार्थियों के लिए। आई होप ये टॉपिक और ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट था, तो इसीलिए मुझे लगा आपके साथ में शेयर करना चाहिए। इंटीग्रिटी का मतलब होता है ईमानदारी, ट्रस्टवर्दी, भरोसेमंद, अबाइड यानी कि पालन करना। इन तीनों वर्ड से आपको सेंटेंस बनाना है, कमेंट बॉक्स के अंदर लिखना है। आज के जो 3 वर्ड हैं डिक्टेशन के, फर्स्ट है हमारा पोजिशन, ऑथेंटिक एंड फ्लोरिश। पोजिशन, ऑथेंटिक, फ्लोरिश, इन तीनों वर्ड्स आपको डिक्टेशन के जो है कमेंट बॉक्स के अंदर लिखने हैं। ये वीडियो और ये टॉपिक कैसा लगा है प्लीज़ मुझे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे ही इंटरेस्टिंग, इंपॉर्टेंट और नॉलेजेबल वीडियोज़ मैं आपके साथ में शेयर करती रहती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।